हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर चैनल केमिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने इस चैनल पर क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चल रहा था, जिसमें से अभी सॉल्यूशन की मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए थे। बेसिकली इसमें केमिस्ट्री का हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन पार्ट में जैसे हमने जो भी चीज़ सीखा है तो उनके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्लाई करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है इस सॉल्यूशन चैप्टर का। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन हमने लिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, तो एक बात ध्यान रखना कि जिसको भी कैलकुलेट करना है, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका सबसे पहले फॉर्मूला राइट किया करो। चलिए मोल फ्रैक्शन का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन इक्वल टू ये होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, जैसे दो कंपोनेंट का निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। एक अगर दो कंपोनेंट है तो इस तरह से इसको निकालते हैं। फिलहाल यहां पर हमें निकालना है बेंजीन का, तो बेंजीन के लिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं, क्या होता है देखो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बेंजीन C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स C6H6 बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसने डेवलप किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4, राइट। तो बस इसको अप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। यहां पर कह रहा है 30% बाई मास, इसका मतलब क्या हुआ, 30% बेंजीन यहां पर है। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन कंसीडर कर लेंगे, बेंजीन कितना है 30%, तो 30 ग्राम बेंजीन हो गया। अब बेंजीन का यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, कैसे निकाल दोगे, तो यहाँ लिख देना N(C6H6), ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन के, तो गिवन मास है मोलर मास, गिवन मास कितना हो जाएगा 30 ग्राम, मोलर मास बेंजीन कितना होता है, कैलकुलेट करके देखो तो इसका आ जाएगा आपका 78, राइट। तो आप यहां से आ जाएगा हमारा 78, N(C6H6) सिक्स, इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ इसको कर सकते हैं, यहाँ ले लो आप कितना आ जाएगा 35 अपॉन और 2 3 6 2 9 18, फिर से डिवाइड करो तो N(C6H6) इक्वल टू 3 से कर दो तो 3 में आ जाएगा हमारा कितना 2 3 6 2 9 18 और 35। तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा जाकर के 3 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको भी एक मिनट जो है लिख लेते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ये 30 की जगह 15 आएगा, यहाँ पर 35 लिख दिया था, ये 15 आएगा, डिवाइड करेंगे तो आप देखो 3 से डिवाइड करो तो 3 5 15 3 1 3 3 3 9 13 से डिवाइड करो तो 13 से डिवाइड करेंगे, देखो पॉइंट लगा दो यहाँ पर, यहाँ 0 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 50, 13 से कितने बढ़ जाएगा, ठीक है, 13 5 63 65 13 13 54 है ना, कितने बढ़ जाएगा 3 टाइम्स आएगा, और इसके बाद जो है कितना बचेगा 39 यहाँ बचेगा कितना हमारा 11 110 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 38 104, तो ये 0.38 आ जाएगा। इसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लेंगे, CCl4 के, देखो CCl4 के N(CCl4) कार्बन टेट्राक्लोराइड नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, तो इसका गिवन मास कितना हो जाएगा, टोटल 100 था 30 हो गया इसका, अगर बेंजीन का तो कितना बचा 70, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 70 अपॉन, और मोलर मास कितना इसका आ जाएगा, CCl4 कैलकुलेट कर लो, देखो Cl कितना 35.5 होता है, तो 2 Cl2 का कितना, Cl2 का हो जाएगा 71 और इनका 2 का मल्टीप्लाई कर दो 71 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 7 × 14 1 42, और प्लस कार्बन का जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा 2 × 2 2 4 4 1 5 54 आ जाएगा, ठीक है, तो 154। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 35, 2 से यहाँ 2 × 2 = 14, 3 × 2 = 14, फिर कितने बज जाएगा ये, इसको हम लोग कर लेते हैं, चलो 7 से कर लेते हैं, 7 × 35 और 7 × 7 = 11 आ जाएगा, तो 0.50 करो तो 11 × 4 = 44, तो 0.4 अब कितना बचेगा 44 और 6 × 60 हुआ तो 11 × 5 कितना हो जाएगा 55, तो 0.25, और मैं 2 डिजिट तक ही निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हमारे पास दोनों निकल गई, बस वैल्यू रख दी, आंसर आ जाएगा तो XC6H6। अब ये कैलकुलेशन आप साइड में ना करके यहाँ मेन वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद यहाँ वैल्यू रखो इसकी 0.38 आ गई, 0.38 अपॉन और यहाँ रखो 0.38 प्लस 0.45 दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आएगा 0.38 अपॉन देखो 85 कितना होगा 13 और 437 और 7.718 तो 0.83 पॉइंट्स पॉइंट कैंसिल आउट कर दो तो 38 अपॉन कितना आ जाएगा 83। अब 83 इसको डिवाइड करो, जब इसको 83 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने बार आएगा, अभी तो डिवाइड नहीं आ रहा तो क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और 0 पॉइंट। अब इसको डिवाइड करके देखो कितने बार डिवाइड हो रहा, तो ये डिवाइड होगा सबसे पहले हमारा डिवाइड करके आप देख सकते हैं है ना 0.445 है ना, इस तरह से आंसर आ जाएगा डिवाइड करके देख लो तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसके कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे किया सबसे पहले फार्मूला लिख दो और जो वैल्यू यहाँ में रिक्वायरमेंट है उनको आप अप्लाई करते जाइए ठीक है। इसके बाद चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे आगे आया कि क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले बस यही देखो कैलकुलेट करना, मोलरिटी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ना तो मोलरिटी ही पूछी गई है तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। ये आपका मोलरिटी ठीक है, मोलरिटी निकालनी है, दो पार्ट है पार्ट ए में पार्ट बी में, तो मोलरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी है ना, मोलरिटी इक्वल टू होता है डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू थाउजेंड इंटू ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ठीक है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना, फिलहाल अभी देखो जल्दी से डब्ल्यू टू की वैल्यू देखो यहाँ पर 30 ग्राम दे रखा है तो डब्ल्यू टू की वैल्यू आप प्रोडक्ट कर दीजिए, ये आ गया 30 ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम टू की वैल्यू रख दो, एम टू का मतलब मोलर मास। अब इसका निकालना पड़ेगा यहाँ पर देखो कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास देखो आप वाटर का कितना होता है 18 सिक्सा कितना होगा है 108 तो 18 सिक्सा 108 और प्लस अब ऑक्सीजन कितना होता है 16 तो 48 और नाइट्रोजन का और जोड़ दो 48 और प्लस 14 है ना 8 4 12 4 और 1 5 और 1 6 62 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ थ्रस्ट लगा हुआ तो 3 2 या 6 और 3 सिक्सा 18 है ना 186 तो इसमें यहाँ पर जोड़ दो 186 है तो ये हो जाएगा 186 प्लस कोबाल्ट का कितना होता है 59 तो इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 8 6 कितना हो जाएगा 14 और 9 ये ऐड करेंगे तो देख के आएगा यहाँ एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो रही कहीं पर 48 और 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12 4 5 6 ओके तो इस तरह से इसका मोलर मास एक मिनट रखना देखते हैं अभी जो है तो ये मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर हमने 3 का कर दिया क्योंकि यहाँ केवल ट्वाइस है तो 2 का करेंगे तो 2 2 4 2 6 जाए यहाँ पर 12 124 आएगा यहाँ पर तो ये आएगा 124 अब 8 4 12 12 कितना हो जाएगा 8 4 12 12 9 21 ठीक है 5 2 7 2 9 1 2 291 आएगा ठीक। तो इसको यहां से लिख देंगे 291 इंटू वॉल्यूम को ले लो आप कितना आ जाएगा हमारा कितना था वॉल्यूम 4.3 लीटर तो 4300 क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एम एल में तो 00 कैंसिल आउट 00 कैंसिल आउट तो ऊपर हमारा बचेगा कितना 300 ठीक है और 291 इंटू 43 इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12513 अपॉन 12513 हमने करके अभी देखा है तो आप भी कर सकते हैं और फिलहाल इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 0.023 आएगा ये आएगा इक्वल टू में 0.023 है ना और 0.023 एक वैल्यू में और आ जाएगा 235 तो राउंड अप करके इसको लिख सकते हैं 0.024 मोलर तो ये आंसर आपका हो गया ठीक है। इसी तरह से इसका देखो ये और भी सिंपल है सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट है ना हाँ बी पार्ट 30 ml ये वॉल्यूम हमें दे रखा है इसको हमने मान लिया वॉल्यूम बी1 और ये मोलरिटी दे रखी है इसको हमने मान लिया m1
और ये वॉल्यूम में बी टू दे रखा, तो एक फॉर्मूला होता है क्या कि एम वन ई पार्ट बी में सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर्मूला होता है एम वन बी वन इक्वल टू एम टू बी टू। एम वन की वैल्यू रख दो कितनी है 0.5 रख दो, एम टू बी वन की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल टू एम टू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एम टू कुछ नहीं निकालना है, एम टू बी टू की वैल्यू कितनी है 500, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो एम टू इक्वल टू 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, तो यहाँ से आएगा एम टू इक्वल टू, देखो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, इसको करोगे तो कितना बचेगा 0.5 इंटू 3 बचेगा अपॉन में 50 बचेगा। देखो ऊपर से अगर पॉइंट आएंगे तो नीचे एक 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 52 इंटू फिजल 10 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दो 5 टू या 10 हो जाएगा, और ऊपर कितना बचा हमारा 3 बचा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 100 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये एम टू इक्वल टू बन जाएगा जाके 0.03 मोलर टी, ये मोलर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले वो पूछा क्या गया उसका फार्मूला राइट करो, किस किस की रिक्वायरमेंट है उसको ढूंढने की कोशिश करो। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।